the smartest tracking device. It is the size of a debit card, iSecuro. You can track location of your kids, students, delivery boys, call center and field executives. Provides real-time tracking, history and geofence notifications right on your phone. Carry it as an ID card holder, an SOS button for emergencies. Also call on any of the three family numbers saved on the device. Nazreen Adab, program LAMHA FIKR mein aapka khair magdam hai. Aaj hum baat karne ja rahe hain desh ki betiyon par hote atyachar ko lekar. इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट जासमीन शिरूर, जो मास्टर ऑफ सोशल वर्कर के हवाले से जानी जाती हैं, और हमारी दूसरी मेहमान हैं रूपा शेखर, जो सामाजिक खिदमतगार हैं। तो आइए, आप दोनों का हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। मैडम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह के जो मुल्क भर में रेप कम मर्डर के हादसे हो रहे हैं और सामूहिक बलात्कार का एक जो मामला इस वक्त हमारे सामने आया है, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ गलती हो रही है? इतने सारे, ये कितना बड़ा एक डेमोक्रेटिक देश है हमारा, और इस पर कुछ नहीं, सख्ती नहीं, लेकिन एक कुछ कानून तो है, इसके बावजूद इतनी हिम्मत कहाँ से आती है जुर्म करने वालों में? मुझे लगता है कि मैं स्पेशली किसी को, मतलब ये नहीं, ब्लेम नहीं करूंगी कि चलो ये पॉलिटिकल वजह से है या लोगों के अनएजुकेटेड के वजह से। ये पता आप अपने घर में हर एक बेटे को समझाना चाहिए कि चलो बेटी क्या है या बेटा, डिफ्रेंसिएशन नहीं चाहिए। और लड़कियों को भी इतनी, मतलब फ्रीडम मिल चुकी है ना, कि वो सोचते हैं कि चलो हम कुछ भी कर सकते हैं। इनफैक्ट इट इज गुड कि हम घर के बाहर काम की वजह से जाते हैं या कोई और वजह से होते हैं, लेकिन उसके साथ एक प्रोटेक्शन भी लेना चाहिए कि अगर मैं रात के वजह बाहर जाती हूँ या दिन के टाइम, मैं अपने आने के बाद कि अपनी प्रोटेक्शन कैसे कर सकती हूँ, या फिर मैं दिन से बोले रात को अगर वापस आती हूँ तो ठीक है, रात में अगर ठीक है लोग है, पब्लिक है, वो हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन लोगों के भरोसे तो हम नहीं बाहर घूम सकते। उनके लिए हमें कुछ तो अपनी प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, ये हमें खुद ही करना है, तो हम दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। तो आपको क्या लगता है, एक लड़की जब घर से बाहर निकल रही है तो अपने प्रोटेक्शन के लिए उसे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए खुद ऐसे सेफ्टी मेजर्स रखे, जैसे कोई नाइफ हो या कोई स्प्रे हो जो खुद को प्रोटेक्ट। उसके पहले मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर वो ऐसे क्लासेस ज्वाइन करे, कराटे या फिर टाइकोंडो, वैसा कुछ सीख सकती है जो अपने बचाव के लिए वो वहां से भाग सकती है, पुकार सकती है, फिर ऐसा कोई जगह देख सकती है जहाँ वो खुद को प्रोटेक्ट फील कर सकती है। जी ठीक है, ये लड़की खुद कर सकती है अपनी सेफ्टी के लिए। इसमें पेरेंट्स का भी एक रोल होता है कि उनकी बेटी या उनके घर से कोई महिला अगर बाहर जा रही है तो वो किस किस्म का एक अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं? जैसे हम आजकल के इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड में रह सकते हैं, तो मुझे लगता है काफी एप्स आए हैं जहाँ पे ट्रेस किया जाता है कि आपके बच्चे कहाँ पे, चाइल्ड हेल्प ऐप कुछ है, तो आप अपने बच्चों को जब फोन देते हो तो आप उसी तरह अपने बच्चों को भी ट्रैक कर सकते हो ना, फिर आपको पता है कि आपका बच्चा 6 बजे वापस आएगा या 7 बजे वापस आएगा, उसके बाद नहीं आता है तो आप उसे कंटिन्यू फोन करके या उसके फ्रेंड्स को पूछ सकते हो कि आपके लिए किसके साथ है, कोई फ्रेंड्स के साथ है, या आप अपना इन्फॉर्मेशन रख सकते हो ना। तो ये जरूरी है। इसमें पेरेंट्स और बच्चों के दोनों के बीच के संबंध भी अच्छे होने चाहिए, इसलिए कि बच्चे नहीं चाहते कि उनके माँ बाप जो है उन पर इतनी कड़ी नजर रखें, ये भी एक मसला है। इसका एक सेकंड एक हम जो पहलू देख सकते हैं कि बच्चे खुद भी नहीं चाहते कि उनके माँ बाप उन्हें ट्रेस करें, वरना वो उनको लगता है कि हम कैद में हैं, वो भी आज़ादी चाहते हैं। उसके बावजूद आपने जहाँ तक कहा कि मार्शल सीखना चाहिए बच्चों, लड़कियाँ जब बाहर जाती हैं तो अपने बचाव के लिए कुछ चीज़ें वो अपनी जगह हैं, लेकिन जब 8 साल की बच्ची के साथ होता है या 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा मामला होता है तो वो बच्चियां कहाँ तक सेफ हो सकती हैं? तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अवेयरनेस प्रोग्राम्स है काफी कुछ, या फिर हम उस जहाँ पे वो रहते हैं या इलाका है या फिर गली है या फिर सोसाइटी है या फिर गांव है, वहाँ तो हम पर्सनली जाके नहीं पहुँच सकते, लेकिन काफी मुझे लगता है रेडियो थ्रू, टीवी थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड थ्रू आपको अवेयरनेस प्रोग्राम दिया जाता है। लेकिन जिसके साथ वो हादसा होता है, इट्स अ रियली अ ट्रॉमा, या फिर हम बोल सकते हैं वी रियली कांट डू एनीथिंग, वो जिसके ऊपर गुजरता है उसको ही पता है कि जिंदगी एक्चुअली क्या है। बिल्कुल, तो लेकिन छोटे बच्चों के लिए माँ बाप तो अपने ऊपर कड़ी नजर, लेकिन आजकल के माँ बाप में मैं उनको बच्चों के ऊपर कैसे निर्भर रह सकते हो, बच्चे तो बिना बोले कहीं पे जा सकते हैं। ये 8 साल की बच्चे की आप बात करें, कहीं 5 महीने के बच्चे के साथ भी रेप हुआ है, तो इसमें कौन जिम्मेदार हो सकता है? मुझे लगता है टुडे के बच्चों के साथ मोबाइल है, फ्री सब कुछ देखा जाता है, उसके साथ उनके वो पावर टू डू मोर सेक्स या फिर उसके वजह से ही होगा ना। ये मुझे लगता है जब ये चैनल जब यूज करते हो आप या ऐप यूज करते हो,
स्ट्रिक्टली ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट ने कि 18 इयर्स के बाद ही, या फिर आधार कार्ड जैसे आप टाइप सा सभी चीज से आप आधार टाइप करते हो, तो अगर आप ये वेबसाइट देखते हैं कि परमिशन देते हैं, तो आप ये आधार साइड या पैन कार्ड क्यों नहीं यूज कर सकते? बिल्कुल, और उनके पेरेंट्स को भी चाहिए कि इतनी उम्र तक जो है वो बच्चों को मोबाइल से दूर रखने का काम करें। हाँ। क्योंकि इनके बच्चे प्राइवेट कमरों में मोबाइल के जरिए से कहाँ कहाँ तक, मेरे ख्याल से ना मोबाइल देना ही नहीं चाहिए बच्चों को। जिस स्कूल बच्चे है जो 18 इयर्स तक है या फिर 16 इयर्स, जब तक वो 10th स्टैंडर्ड में, तब तक मैं तो बोलूंगी बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं है। क्योंकि जब तक पेरेंट्स सामने, वो लोग एक बोलेंगे मम्मी मैं यूट्यूब पे ये देख रहा हूँ, डिस्कवरी देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, लेकिन पर्सनली जब हम बाहर जाते थे पर्टिकुलर वो बच्चा वही चैनल देखता है, ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? बिल्कुल, जितना हम कर सकते हैं वो चीजें आपने बताई, फिर उसके बाद भी अगर होता है तो हम एडवोकेट से बात करते हैं कि इस पर कानूनी दायरे में हम क्या कर सकते हैं। मैडम आप क्या कहती हैं कि फिलहाल ऐसी मतलब सामूहिक बलात्कार का मामला है, बलात्कार का मामला, फिर मर्डर का मामला है, इस पर किस किस्म के कानून फिलहाल मौजूद हैं? भी देखिए, मैं यहाँ पे कानून के जरिए मैं बात करती हूँ, मगर सेक्शन के हिसाब से जाऊंगी तो ये 375 सभी को पता है, इट इज अ रेप। जैसे मैडम ने कहा कि अपने हवाले से हम प्रोटेक्ट रहने की कोशिश करें कि हम किस तरह से बाहर निकल रहे हैं एक महिला होने के हवाले से, सोसाइटी में जब ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं तो हमें अपनी हिफाजत के ख्याल रखना चाहिए, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि फिलहाल कुछ कानून है इस पर? कानून बहुत सारे हैं सर, कानून उसे फॉलो अप करने वाले नहीं है, ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, प्रोसेस बड़ा लंबा है। हाँ। बेलगाम हो या किसी भी शहर से जब मामला निकलता है तो पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट तक जाकर वो आने तक जो है पीड़ित भी रहता है या वो मुजरिम रहता है या नहीं, इसका पता नहीं चलता, नहीं चलता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब फौरन जब मुजरिम पकड़े जाते हैं तो उसको बगैर किसी प्रोसेस के उसको सख्त से सख्त सजा सुना दी जानी चाहिए, उस पर कोई अपील नहीं होनी चाहिए? जो हैदराबाद के केस के जो भी जो चार लोग है ना, हम लोग वकालत नहीं ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ जस्टिस इज टू लॉन्ग, यहाँ पे विक्टिम क्या है, विक्टिम ही रह जाता है, खिलौनी हरकत जो कर रहे हैं वो लोग ऐसे ही बसते ही जा रहे हैं। हर बार पब्लिक डिमांड होती है, हर बार होती है ना, तो मैडम हर बार डिमांड होती है, पब्लिक तो रास्ते पे आती है, कभी कैंडल जलाते हैं, कभी किसी, अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं बोलूंगी ये आंदोलन, कैंडल लाइट, हर एक दिन कोई अपना आएगा, वो रोड शो करेगा या बोलेगा कि चलो रेप हुआ है, हम जाके कैंडल करेंगे, उसका बैनर लगाएंगे, दो दिन पिटी हो जाएंगे, रोएंगे, फिर तीसरा दिन भूल जाते हैं। एक्चुअली व्हाट इज दिस कि भूल जाने मतलब ठीक है, क्योंकि हर एक मिनट हर एक रेप हो रहा है, जिनके पास ताकत है वो आपके सामने बोल रहे हैं, या फिर इकट्ठा हो रहे हैं जो रेप होते हैं, कॉलेजेस वाले, कॉलेजेस, डॉक्टर्स, या फिर पॉलिटिकल पीपल भी आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल लोग ही जवाबदार है ये सब देने के लिए, क्योंकि अगर फॉरेन कंट्री में डिसीजन लेता है तो वो क्यों कैसे डिसीजन देते हैं पब्लिक के ऊपर ही कि शूट ऑन द साइट या किल देम, दैट इज द ओनली सेंटेंस। वहां पे अगर एक लड़की को जरा भी छेड़ा जाए तो दैट पनिशमेंट वो आदमी को पता है कि इट विल बी डेथ, तो फिर हमारे इंडिया में वो क्यों नहीं फॉलो कर सकते? क्योंकि हमारा पॉलिटिकल पीपल ओनली आर करप्टेड, जहां तक वो प्रोसेस वहां तक पहुंचे ना वो केस ही दबाया दिया जाता है, कोई कौन आके आगे बोलेगा? ये तो आम लोगों की बात है, आम महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है। एक मैं नाम नहीं लेना चाहता इस वक्त, लेकिन एक पॉलिटिकल जो औरत है जो बहुत बड़ी पार्टी से जुड़ी हुई महिला है, उसकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई, उसको अश्लील तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, तो उसने भी जब उस मामले को पुलिस स्टेशन तक ले गए, एफआईआर दर्ज हुआ, तो फिर वहां पर भी कुछ लड़कों को पकड़ा भी गया और फौरन 4-5 दिन में उसको रिहा भी किया गया। That is our Indian politics, ना? यही तो गलत हो रहा है, इंडिया में वही हो रहा है ना, कौन आवाज उठाएगा? अगर उठाना है तो आवाज इन लोगों के खिलाफ उठाओ ना, क्यों ये केस को पीछे लेके गए, क्यों उस केस को दबाया गया है? मुजरिम के खिलाफ आवाज उठाने से पहले हमें सरकार और सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मुजरिम को तो मिलेगा, मुजरिम को तो सजा मिलेगी, लेकिन जो उसको सजा दे सकते हैं उन पर दबाव डालना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपसे मैडम ये जानना चाहता हूँ कि टीवी सीरियल्स और फिल्मी सीन्स ऐसे होते हैं, क्योंकि जब सारे फिल्म स्टार्स हैदराबाद मामले को लेकर ट्वीट किया तो वहाँ अक्षय कुमार ने भी एक ट्वीट किया था, उनके ट्वीट को लेकर हंगामा इसलिए हुआ, हालांकि उन्होंने कुछ गलत नहीं लिखा था, उन्होंने भी कहा था कि सजा होनी चाहिए, लेकिन उनके दोहरे रवैये को लेकर पब्लिक नाराज है कि आप जब प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेते हैं तो आप उनसे ऐसी बात नहीं करते, आप आम खाने की बात करते हैं, और आप ट्वीट करके यहाँ कह रहे हैं कि उनको जो है उसको सजा मिलनी चाहिए।
और उनसे ये भी कहा गया है कि आपके फिल्मों में रेप सीन्स या आपके डायलॉग्स अश्लील डायलॉग्स अगर बताए जाते हैं तो आपका किरदार अलग है, और फिर यहाँ आप हकीकी जिंदगी में किसी को सजा देने की बात कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक सीरियल हो या फिल्म हो, इसमें दिखाए जाने वाले सीन्स को भी बच्चे गंभीरता से लेते हैं, तो इससे भी बचने की जरूरत है या नहीं? नहीं, पक्का है ना, ऐसे सीन्स आप ऐसे पिक्चर बनाओ ही मत ना जो बच्चों को या फिर हम जैसे एल्डर्स को भी कभी कभी ये आउट ऑफ रीच जाता है, मतलब इवन वी गेट डिस्टर्ब कि या फिर चार जन बैठे हुए हैं या बड़े या छोटे, खुद हमें देखने के लिए शर्म आती है, फिर ऐसे सीन बनाते ही क्यों, कट ऑफ दैट ना। मतलब मैं चाहती हूँ कि ऐसे सीन डालो ही मत, या फिर उनके लिए आपने मैंने बोला ये एज है, एक लिमिट है, वो ऐसे पिक्चर बनाओ जो एज के हिसाब से चले, बैन करो ना इन बच्चों को देने के लिए, हम खुद डिस्टर्ब हो जाते हैं ऐसे टीवी सीरियल्स या देखने के लिए। अब उसमें क्राइम पेट्रोल्स या कोई और ऐसी चीजें हैं जो जुर्म को लेकर अवेयरनेस के हवाले से बताए जाते हैं, लेकिन उसमें अवेयरनेस कम होता है, कहीं ना कहीं चार दीवार में रहने वाली महिला को रास्ते बहुत निकल जाते हैं कि हम किस किस तरह से जुर्म कर सकते हैं। मेरा व्यू क्या है, जो हम लोग जो हमें जो चाहिए वो हम लोग हमारे पास रख लेना है, जो नहीं है वो छोड़ देना है। एक बच्चे की एक उम्र है, उस उम्र में वो वही देखे तो अच्छा है। अच्छा है, वो अपनी उम्र से ज्यादा डिपेंड करते हैं ना सर, वो पेरेंट्स डिपेंड करते हैं इसे दिखाना है या नहीं। वही तो हम कह रहे हैं कि बच्चों पर पेरेंट्स की नजर होनी चाहिए, छोटे छोटे बच्चों पर। पेरेंट्स की वजह से ज्यादातर वो लोग टीचर्स के साथ रहते हैं, टीचर्स का ड्यूटी कि टीचर्स को पता चाहिए कि बच्चा कर क्या रहा है, उसका माइंड क्यों है। अगर इंटेलिजेंट बॉय नीचे आ रहा है तो समझ में आना चाहिए कि कुछ तो डिस्टर्बेंस हो रहा है, कि अगर पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे, पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे। मुझे लगता है कि हर एक स्कूल में हर एक क्लास में एक ऐसा काउंसलर रखे जो इंडिविजुअली हर बच्चे के साथ बात करे, उसका क्या प्रॉब्लम है करके, उसकी मेंटेलिटी क्या है, वो क्या सोच रहा है। अब बच्चे देखिए यूट्यूब पर सी कार्टून्स देखने के लिए बैठ जाते हैं, कार्टून्स ही देखते हैं, लेकिन उसमें आने वाली एड्स ऐसी होती है जो अश्लील होती है, जिससे बच्चे के जहन पर कहीं ना कहीं असर होता है उसका। फिर न जाने वो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को ज्यादातर जो है वो अकेला नहीं, उसको तन्हा नहीं रख सकते आप। और स्कूल में भी जैसा आपने कहा कि वो भी बहुत अच्छी आपकी राय है कि टीचर्स को भी कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदारी लेनी चाहिए, अपने आप को जिम्मेदार समझकर उन बच्चों पर केयर होना चाहिए था। अब मैडम मैं आपसे ये एक खास बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप सामाजिक तौर पर जमीनी सतह पर एक अच्छा काम करें, आप महिलाओं में भी आप समाज की हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप अच्छी तरह समझ सकती हैं। तो ये है कि विक्टिम्स अक्सर जो अब जो मामला हमारे सामने आया है, बड़े शहरों का हो तो मीडिया वहाँ पहुँच पाती है और उस पर सियासत होती है, वो मुल्क भर में उसका आंदोलन होता है, वो अपनी जगह, लेकिन छोटे छोटे गाँव में भी छोटे छोटे करियों में भी ऐसे हादसे आए दिन होते ही आ रहे हैं, लेकिन वो हम तक पहुँच नहीं पाती है अपनी जगह। लेकिन रेशो बताता है, एक आंकड़े जो हमारे पास में बताते हैं कि वो आए दिन इसकी वारदातों में बढ़ोतरी होती जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि कई बार लड़कियां ऐसा करती हैं कि पीड़ित होने के बाद वो पुलिस स्टेशन तक नहीं जा सकती, शर्म की वजह से, अपने आप को बदनामी के डर से, या फिर डर की वजह से कि मैं अगर किसी का नाम लूंगी तो कुछ होगा। तो ऐसे आपको क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहिए लड़कियों को? नहीं, बराबर है, आप अगर बोल रहे हो कि अगर बच्चे हो या बच्ची है वो 12 साल के अंदर की है तो ठीक है कि मतलब 12 साल के अंदर है वो नहीं बोल पाएगी, या फिर उसके खुद के पेरेंट्स ही उसको प्रेशर लाएंगे कि तू बोल मत, और फिर वो डर के मारे क्योंकि उसको खुद को पता नहीं है कि उसके शरीर को क्या हुआ है, या फिर वो जो हादसा हुआ है उसको पिताजी या उसके माता समझे कि अगर तू बोलेगी तो आजू बाजू के क्या बोलेंगे, तेरी शादी कैसी होगी, या तो वो केस वही के वही दबाया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस में काफी लड़कियां भी मर चुकी है जो अभी तक रिकॉर्ड्स में नहीं है, 12 मेरे मुझे ख्याल से, लेकिन जब ऐसा केस हो जाता है तो उसकी माँ स्ट्रांग होनी चाहिए, वो बाहर आके बोलनी चाहिए, वो आके कंप्लेंट रजिस्टर करना चाहिए, जरा मतलब वुमन कमिटी है, फिर पुलिस स्टेशन है काफी इनके लिए। दो बच्चे होने के वजह से ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो मेरी बेटी है उसको क्या हुआ, लेकिन जब वो आज खुद आवाज उठाएगी तो उसको देखकर उस आवाज स्ट्रेंथ के पीछे और 10 लेडीज खड़े हो जाएंगे और फिर चालू करेंगे कि चलो मेरे साथ हुआ है कल तेरे साथ हो सकता है, वो अपने बेटी को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई तो कोई माध्यम निकालना ही चाहिए ऐसे हादसे होने से। ठीक है, आप सामाजिक खिदमतगार हैं, एक सोशल वर्कर हैं, तो आप अभी अब तक ऐसे कोई काम कर चुकी हैं कि पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करने हैं? काफी हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं, इसके वजह से बच्चों के पास गए हमने, तो क्या किया था, एक स्कूल में गए थे जो हादसा हुआ था, मतलब सेक्सुअल असॉल्ट, इट्स नॉट अ रेप, लेकिन
स्कूल का नाम नहीं ले सकते, लेकिन ऐसा कुछ है जहाँ मतलब लड़कियां बोलना चाहते हैं लेकिन नहीं बोल पा रहे, क्योंकि उनको प्रेशर है कि अगर मेरा नाम आप बोलते हो तो वहाँ स्कूल में हम रकेट दे जाएंगे या फिर हमें निकला जाएगा। तो हमने क्या किया था, मतलब एक बॉक्स लिखा था, लेके रखा, तो बोला कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आपका रिलेटिव हो या फैमिली में कोई आदमी आपको ये कर रहा है और आप नहीं बोल पा रहे हो, तो वो बॉक्स में आप लिख के बोल दो। तो उन्होंने वो डाला था, भी वो शॉक टू सी कि कई कई उनके अंकल्स थे, तो कई उनके फ्रेंड्स थे, तो कोई अपने सर ही थे। तो वी कैन ओनली डू इज काउंसलिंग। बाद में जाके हमने कंप्लेंट भी किया तो बोला नहीं, इस ट्रस्ट काफी बड़ा ट्रस्टी है, ये वो है, तो केस दबा दिया। फिर हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम जाके लड़कियों को काउंसलिंग करके अवेयरनेस प्रोग्राम दिया, अब खुद का बचाव कैसे करना है, वो अवेयरनेस करके हम वापस आ गए थे। तो एक काफी गंभीर विषय है, हाँ। बच्चे बोल नहीं पा रहे, आपने एक सिस्टम हाँ, बनाया, तो बहुत सारे ऐसे केसेस आ गए आपके सामने, हाँ। लेकिन न जाने ऐसे कितने। मैं चाहती हूँ कि हर स्कूल में जहाँ पे लड़की है ना, वो ऐसा बॉक्स रखा दिया जाए जहाँ वो अपना बिना नाम डाले कंप्लेंट बॉक्स में डाल दिया जाए, प्रिंसिपल शुड टेक नोटिस, हाँ। अगर ऐसा कुछ है, और पर्सनली उनको बुला के उनका काउंसलिंग करके उनको पेरेंट्स को बुला के बताना चाहिए कम से कम एक क्या प्रॉब्लम चल रहा है, हाँ। बच्चों में वो तो मालूम हो जाएगा। और फ्री पीरियड उनको रखना चाहिए कि वो खुले आम बोल सकते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। आजकल किसी को टाइम ही नहीं है किसके साथ बात करने के लिए, क्योंकि हम खुद पेरेंट्स हैं कि हम भी बिजी है, देख नहीं पा रहे कि अपने बच्चे क्या कर रहे हैं। जब दूसरे बच्चों के ऊपर जब होता है तब पता चलता है कि ऐसा भी हो सकता है। एंड इट इज नॉट ओनली गर्ल के साथ रेप हो सकता है, ऐसे हो सकता है बॉयज के साथ भी हो रहा है, हो रहा है, ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैडम, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप इस मामले के हवाले से और आप क्या मैसेज देना चाहती हैं रेपिस्ट को, लोगों को, यहाँ पे हम लोग वकालत ही नहीं देना है। ठीक है, आपने एक अच्छा मैसेज दिया। मैं आपको एक और पर्सनल सवाल करना चाहता हूँ, मैं आपसे, हाँ, बोलिए। कि आपने कहा कि विक्टिम के लिए केस लड़ सकते हैं, हाँ। जो मुजरिम होता है, जो रेपिस्ट है, उसके लिए वकालत ही नहीं होनी चाहिए। आपको कभी ऐसा मौका मिला है? मुझे नहीं मिला है, अगर मुझे मिलेगा तो मैं वकालत नहीं लूंगी। नहीं लूंगी। विक्टिम के लिए आप लड़ेंगी? लड़ेंगी। तो मैडम, मैं आपसे आखिरी सवाल लेना चाह रहा हूँ कि आप टोटल अब तक जो बहस हुई इसको लेकर आप अपनी तरफ से क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? सी, मैं ये नहीं बोल सकती कि इसके बाद रेप होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही रेप होते ही रहेंगे। वो रेप को हम कहाँ तक रोक सकते हैं, दैट इज आवर ड्यूटी। जैसे मैं बोलती हूँ कि अगर आप सच में लड़कियां है, काम को जाती है, लेट नाइट आते, सी दैट यू ऑल आर प्रोटेक्टिव। गवर्नमेंट ने एक 112 ऐप बनाया हुआ है, इमरजेंसी कॉलिंग है 59, दो वर्किंग पे नहीं है, लेकिन 112 इमरजेंसी कॉल है जहाँ पे ये अगर आप डायल करते हो और वो नंबर आपका ट्रेस हो जाता है, पुलिस वहां पे आ जाती है। पर जब तक पुलिस आ जाए, व्हाट इज द स्टेप यू आर गोइंग टू टेक टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ? आप ऐसी जगह भागते रहो जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन लगे, या फिर आप ऐसे कुछ चीजें रखे जो आपको पता है कि आप लेट जा रहे हो घर, या आपको पता नहीं रिक्शा से जा रहे हो या टैक्सी से, उस नंबर को आप अपने पेरेंट्स के साथ स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो, या फिर फ्रेंड्स को या कॉल करके बता सकते हो। बेशक वो नंबर आपका कोई उठा नहीं रहा है तो बोल सकते हो कि मैं ऐसे ऐसे ठिकाने पे हूँ और एक आधा घंटा लगेगा मुझे, तो सामने वाला पता चलता है कि शी इज एट द प्रोटेक्टिव साइड। अगर ये हो के भी अगर रेप हो जाता है तो इट्स अ वेरी बैड सिटी, क्योंकि हम इंडिया में है, 1947 से हमको आजादी मिली है जी। और गांधी जी बोलते हैं कि हमारा देश तभी सुरक्षित हो जाता है जब एक लड़की 6 बजे के बाद खुले आम घूम सकती है। तो दैट इज द थिंग, ओनली थिंग इज कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, जहां भी जाते हो इन्फॉर्म करो, अपने पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो, रिलेटिव, पर किसी एक पर्सन को अपने मैसेज करते बताते रहो कि आप यहाँ पे हो, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बी योरसेल्फ हैप्पी। ओके, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि 6 बजे के बाद अगर कोई महिला आराम से बाहर निकलकर घूम सकती है तो वो देश आजाद है, लेकिन आज जिन हालात से हम गुजर रहे हैं हमको ये लगता है कि हम अभी तक आजाद नहीं है। तो आइए, मैं आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे चैनल के लिए दिया, काफी अच्छी बातों से आपने नवाजा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम यही खत्म होता है, देखते रहिए बेलगाम एक्सप्रेस।